व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज नागेश व्लॉग्स 007 बैक टू द न्यू वीडियो। सो बेबी, सो कैसे आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने साथियों के साथ व्यस्त होंगे मेरी जान। और आप सभी को सबसे फर्स्ट बोली गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम दोस्तों। एंड दोस्तों, आज का सुबह मेरा स्टार्ट हो रहा है कोसमी में, क्योंकि मैं 2-3 दिन हो गया कोसमी में रुका हूँ, तो अभी तक घर नहीं गया हूँ। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई, कितना ही मस्त, एकदम हरा भरा। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग वीडियो अपलोड करने। सबसे पहले तो शिवा को कॉल करते हैं, कि शिवा के साथ ही हम लोग जाते हैं वीडियो अपलोड करने, तो उसको कॉल करते हैं अभी फिलहाल। तो अभी बने रहना व्लॉग में, आपको मिलते हैं वहाँ पे, अपना वीडियो अपलोड जहाँ पे करते हैं वहाँ पे आप सभी को मिलते हैं। और यहाँ का नज़ारा तो भाई मस्त, हरा भरा देख रहे हो। और यहाँ का सनलाइट देखो भाई मस्त, एक नंबर। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों फाइनली हम लोग वीडियो अपलोड करने आ चुके हैं अपने नल्ले दोस्त के साथ, जो कि हम लोग सेम पहने, रेड रेड काला काला, क्या 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 है, व्हाइट 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 है। हाँ, मेरा भी व्हाइट है थोड़ा बहुत। तो गाइस, ये ना रात को एडिट नहीं किया, क्योंकि इसके बंदी के साथ बात कर रहा था। और अभी क्या बोल रहा है, मैं अभी वीडियो एडिट करूंगा था। तो कैसा वीडियो अगर सब एडिट हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है, अपलोड हो चुका है, देखो गाइस अपलोड हो चुका है। जाओ शिवा भी सही बोल के चेक कर दो तो, और मेरे को कमेंट में बताना किया है केस तो। और दोस्तों, हम लोग हर बार आते हैं शिव मंदिर के पास वीडियो अपलोड करने, क्योंकि यहाँ पे ना भर भर के नेट, फ्री का नेट वैसा यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है फ्री का नेट, जो कि अंबानी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ का देख रहे हो मस्त नजारा है भाई यहाँ का भी। और तू कुछ बोलना चाहेगा? आई लव यू सभी ऑडियंस को, सभी के अलावा कुछ बोलेगा? सभी ऑडियंस को बोला यार, वही तो बोल रहा हूँ मैं, सभी के अलावा कुछ बोलेगा? आई लव यू हो गया खत्म, आई लव यू मेरे ऑडियंस, आई लव यू मेरे ऑडियंस। हाँ, तो चलिए दोस्तों फिलहाल अपन लोग वीडियो अपलोड कर लेते हैं, फिर आप सभी को मिलते हैं। तो गाइस यार, फाइनली अपना वीडियो हो चुका है अपलोड, जाके चेकआउट कर लेना, काफी कॉमेडी वाला है व्लॉग। और इसका येलो डॉलर आ चुका है, क्या क्या गंदा गंदा बोला है। तो गाइस कुछ भी नहीं बोला, बिना मतलब का दे रहा, यूट्यूब पागल हो रहा है। ए, पागल मत बोल, समझे ना, मेरे में येलो डॉलर आ गया तो वीडियो ही नहीं बनाना भाई। सो गाइस यार, इसका ना येलो डॉलर आ चुका है, और येलो डॉलर अभी तक हट नहीं रहा है, क्योंकि यार एक खिलौना वाला गन दिखाए थे मेले में, जो कि उसी कारण तो नहीं आया, उसको भी हटा दिया क्लिप से, वो भी गए, उससे भी आया। अच्छा, तो इसी कारण आया गाइस, इसीलिए थोड़ा संभल के वीडियो बनाना आप अगर वीडियो बनाते हो तो। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं अपने घर में। 1 hour later घर में पहुंचते ही मेरे हाथ में थमा दिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया से ज्यादा ही है यार, 2 लाख रुपया थमा दिए मेरे हाथ में, जो कि किसी लड़की को शादी कर ले बोल के। तो मैं अभी शादी करने जा रहा हूँ, आप सभी को भर भर के कंटेंट मिलेगा, अब वो फुल एंटरटेनमेंट। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। तो गाइस यार, फाइनल मैं नहा धो के रेडी वेडी हो चुका हूँ, और खाना पीना भी नहीं खाया हूँ, ठीक है। और कैसा रेडी हुआ हूँ देख लो आप, पूरा लुक में देख लो, ठीक है। चड्डा पहन के मैं तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि गर्मी में तो जींस पहना नहीं जाता मेरे को, तो इसलिए मैं चड्डा पहना हूँ। और ये रहा अपना ईंट, जो कि जल चुका है पूरा, और जो जितना भी नहीं जला है ना ईंट, जितना नहीं जले वाला ईंट को, और फिर से एक बार जलाएंगे हम लोग, तो इसलिए। और एक भट्टी बन रहा है यहाँ पे, जो कि गोल बनेगा, यहाँ पे गोल भट्टी बनेगा, ये बना था चौकन भट्टी, लेकिन इसमें ना चौकन भट्टी में उतना जला नहीं ईंट, तो इसलिए हम अब गोल भट्टी बनाएंगे। तो चलिए अभी तैयार वगैरह तो हो गए हैं, अभी फिलहाल चलते हैं शिवा के घर, क्योंकि शिवा मेरे को देगा पैसा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शिवा तेरे आपको पैसा क्यों दे रहा है? भाई शिवा मेरे को इसलिए पैसा दे रहा है, क्योंकि मैं उसको एक लड़की पटा दिया हूँ। अच्छा। सो गाइस यार, फाइनली हम लोग हिलते धुलते पलटते ढुलकते हम लोग इस लोकेशन में आ चुके हैं, इस नल्ले के साथ, जो कि यहाँ पे बेरोजगार बैठा है, नहीं बेरोजगार खड़ा है। और बेरोजगार बोल भाई, और नल्ला कहाँ गया? कौन नल्ला? तरुण नल्ला। ओ, कालसी है यार, एक नंबर कालसी है तरुण, ना कहीं भी चल बोलने से नहीं आता यार, बहुत भाव का आता है। राइट बेबी, क्योंकि आजकल उसका पैकअप हो गया है ना एक लड़की के साथ, इसी चक्कर में। कौन है कौन है कौन है? मेरे को पता। तो काहे के लिए बता रहा है? मैं जानता थोड़ी ना, वैसे देखे गाइस यार, मेरे सब दोस्त मिंगल सिंगल नहीं मिंगल होते जा रहे हैं, और मैं ही एक सिंगल होते जा रहा हूँ,
यार कब मिलेगी मुझे एक लड़की? सुन मेरे बात सुन सुनना तुझे एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे कब लड़की मिलेगी भाई? सच सच बता, तेरी किस्मत में नहीं है भाई। क्या बोला तूने? समझ रहा है, छोड़ रहे हैं। स्मार्ट भी तो नहीं है, स्मार्ट बन पाए ले, समझ रहा है। बाल कटा देने से नहीं होता भाई, शकल को गोरा करो, एक नंबर क्रीम ब्रीम लगा के। नहीं भाई, मेरे को किसी लड़की के लिए मेरा चेहरा गोरा नहीं करना चाहता। तो फिर क्यों बोल रहा है? सिंगल छोड़ रहे हैं, सिंगल ही रहा, निकल। और एक बात सुन, जिस लड़के को ना गर्लफ्रेंड नहीं मिलती ना, उसको मस्त सुशील और सुंदर बीवी मिलती है। ये बोला ना भाई। देखा, बीवी मिली। देखिए गाइस, अब डायरेक्ट मैं शादी करूंगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर ये मैं सीन नहीं करूंगा। मेरी लड़की ढूंढेंगे तो घर वाले ढूंढेंगे, मेरी मम्मी पापा मैं सब मिलके मेरा शादी करवाएंगे। किसके साथ पता है? पता नहीं। जिसको मैं पसंद करूंगा उसको। क्या बोलता है? पसंद तो किसको करेगा, पसंद मैं किसको करूंगा पता है? समझ so guys, आप सभी को बता रहा हूँ, मतलब कोई भी लड़की हो उसका फर्स्ट वर्ड मैं बता दे रहा हूँ। सो गाइस, वो फर्स्ट वर्ड है, एस नाम की लड़की से मैं शादी करूंगा। एस नाम की लड़की, कोई तो होगा एस नाम, क्या होता है? एस नाम की लड़की से शादी करूंगा। वैसे मेरा मेरा मेरे को लग रहा तू मेरी मेरा बात कर रहा। तू क्या लड़की है? नहीं बे, एस वाले तू क्या लड़की है? तू अपने को पता नहीं लोग कहां पता चल। चल घुमा के ले आता हूं फिर। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं घूमने, कहां ले जाएगा तो ये। तो गाइस यार, फाइनली अपने दूसरे लोकेशन में हम लोग पहुंच चुके हैं, और अपने दूसरे लोकेशन देख रहे हो यहां पे। ये पीछे तो खाली है, सामने दिखाऊंगा ना, सबका मुंह बंद हो जाएगा और सबके मुंह में पानी आ जाएगा, खासकर लड़कियों, मतलब खासकर लड़कियों के लिए। देखो गाइस, ये कौन सा पेड़ है और कितना आम है यहाँ पे भाई। इतना पास पास आम पकड़ा है ना भाई, लड़की लोग को खाना है तो आ जाइए, ठीक है? कमेंट में जरूर कमेंट में लिख देना कि मुझे आम खाना है बोल के, तो मैं डिलीवरी कर दूंगा, कैश ऑन डिलीवरी। भाई इतना पास पास लिया भाई, देखो इतना भाई, इतना ज्यादा पकड़ रहा है आम भाई, कत्ते जहर, इतना सारा आम भाई। तो मुंह में पानी मत लाना, ठीक है? यहाँ हम लोग नहीं खाएंगे आपका आम, क्योंकि आम वगैरह उतना खाना नहीं है गर्मी के सीजन में, खासकर गर्मी के सीजन में आम नहीं खाना है, ये बहुत तबीयत खराब होता है। तू क्या देख रहा है भाई? आम में है दम, आम में है दम। गू खा ले तू, गू तू खाबे, हम आम खाएंगे आम। सो गाइस यार, मेरे ब्लॉग में ना काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि निखिल भाई कहाँ है, निखिल भाई कहाँ है, निखिल भाई कहाँ है। हमें भी नहीं पता है निखिल भाई कहाँ पर हैं। भाई मेरे को पता है, लेकिन निखिल भाई कहाँ है उसको पता है? तेरे को निखिल कहाँ है? ओडिशा में है। ओडिशा में? अच्छा तो बता दे थोड़ा। ओडिशा में? ओडिशा में, हाँ। तू तो है ये अड्डी। सो गाइस यार, निखिल है ओडिशा में और हम लोग हैं बस्तर में, क्योंकि यार निखिल अभी नहीं आएगा, और इधर आके भी क्या करेगा भाई, इधर कंटेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उधर भी थोड़ा बहुत बना रहा है तो बना रहा है निखिल, तो इधर आएगा ना तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा, क्योंकि ठग होगा यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ठग हो जाएगा, आप सभी को वीडियो भी नहीं दे पाएगा, इसलिए वो उड़ीसा में है, अभी तक गाँव आया ही नहीं है। वैसे तो कॉल में अपना बात वगैरह होते रहता है कि कब तक आएगा बोल के, लेकिन अभी नहीं आऊँगा तो बोलता है, तो आएगा तो यार आप सभी को इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना, हाँ इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है? और निखिल के साथ काफ़ी कॉमेडी सा व्लॉग बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग भी मिस कर रहे हैं यार, क्या ही बोल सकते हैं, निखिल को हम लोग भी मिस कर रहे हैं। और निखिल तो वीडियो देख रहा है तो भाई, आई लव यू टू मच 3456। आज तेरे को 2,00,000 रुपया सेंड कर दिया हूँ, उसमें अच्छे से फुल खर्चा करना, ठीक है? सो गाइस यार, मैं ना आज निखिल को 2,00,000 रुपया सेंड कर दिया है व्हाट्सअप पे। सब लोग फोन पे गूगल पे में कर देते हैं सेंड पैसा, मैं व्हाट्सअप पे कर दिया हूँ, कितना बड़ा सोच है मेरा, देखे। और वो बंदर देखो क्या क्या कर रहा है, तो चलिए उसके पास चल के देखते हैं, ठीक है? अच्छा मेरे भाई सुन, तेरे लिए एक क्वेश्चन है, बोल। ड्रीम इलेवन कब से खेल रहा है? हो गया एक साल। एक साल बन गया करोड़पति? करोड़पति नहीं बना, लेकिन कभी हारा नहीं हूँ, ये तो 100%। अच्छा, करोड़पति तो नहीं बना, मतलब रोडपति बना ना? रोडपति भी नहीं बना, जितना पैसा उसी पैसे से रोज खेलता हूँ, रोज पोजीशन में आता हूँ, रिटर्न पैसा, लेकिन हारा नहीं। अच्छा यार, बीच बीच में
डिस्टर्ब करने वाला आ जाते हैं ना, एक दिन करोड़पति जरूर बनेंगे। कब बनेगा ये तो बता दे। देख आज विनिंग जोन से बाहर हूँ तो शायद आज हार सकता हूँ। नहीं बता ना सच में कब तक करोड़पति बन जाएगा? बन जाएंगे ऑडियंस की। एक करोड़ मेरे को दे रहेगा ना? ठीक है ना दे दूंगा, टेंशन क्यों लेता है। तो कितना करोड़ जीतेगा? ओ मनु को छोड़, कितना करोड़ जीतेगा तू? कम से कम 10 करोड़। हाँ सो गाइस मेरा दोस्त ना ड्रीम इलेवन में खेलता है मैच जो कि 10 करोड़ जीतने का लालच में है, अभी तक जीता नहीं है। करोड़पति बनने का सपना है लेकिन ये अभी तक रोडपति बना हुआ है। रोडपति भी नहीं, रोडपति। तो गाइस अभी और एक इग्नोर करना, ठीक है इसे इग्नोर करना है। ये ऐसे आना जाना आना जाना आना जाना चलता रहता है।